महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप साल्वे पाटिल के द्वारा ये तो कंफर्म कर दिया गया कि परमवीर सिंह जो है वो पूरी तरह से लापता है, उनका कोई कहीं कुछ भी अता पता नहीं है और हो सकता है कि वो जो है इंडिया छोड़कर दूसरे देश यानी कि बोला जा रहा है कि रूस भाग चुके हैं। ये तो उनके द्वारा कन्फर्म कर दिया गया कि वो दूसरे देश में जा सकते हैं और निकल भी जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिरकार किस व्यक्ति ने उस या किस बड़े मंत्री या नेता ने मदद की परमवीर सिंह की कि परमवीर सिंह इतनी इजी वे में, जिनके खिलाफ में कई FIR दर्ज कराए जा चुके हैं, लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुकी है, उसके बावजूद भी आखिरकार परमवीर सिंह कैसे इंडिया छोड़कर गायब हो गए। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है जहां पर उनके द्वारा सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठाया गया है। उनके द्वारा बोला गया है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमवीर सिंह को भागने में मदद की है, मतलब कि इंडिया छोड़ के दूसरे देश में भगाने में मदद किया गया है परमवीर सिंह का, और ये जो मदद की गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, ये आरोप लगाया जा रहा है। इस तरह का क्वेश्चन उठाया जा रहा है वो भी नाना पटोले के द्वारा। आप सबको पता है कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं वो नाना पटोले हैं और नाना पटोले के द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं एक बात तो सही है, वो किसी भी पार्टी का मंत्री या नेता हो या कोई भी पार्टी हो, किसी ना किसी के विदाउट मदद के जो परमवीर सिंह हैं वो भाग नहीं सकते, मतलब कि देश छोड़कर नहीं भाग सकते, क्योंकि उनके खिलाफ में इतने ज्यादा केसेस पहले से ही चल रहे हैं। तो आखिरकार परमवीर सिंह भागे कैसे?